देखो नए कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन जबरदस्त, प्रॉब्लम नंबर 38। प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे जरा देखो। आपसे कह रहा है यू आर गिवन अ प्राइमरी सेल एंड अ सेकेंडरी सेल ऑफ द सेम ईएमएफ। आपको दो सेल दिए गए जिनका ईएमएफ भी क्या है, सेम है, लेकिन एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। आपसे पूछ रहा है फ्रॉम विच सेल विल यू बी एबल टू ड्रॉ द लार्जर करंट एंड व्हाई। आप कौन सा सेल से ज़्यादा करंट ले सकते हो और क्यों। जरा एक बात पर ध्यान दो, आपके पास प्राइमरी सेल्स होते कौन से हैं, सेकेंडरी सेल्स होते कौन से हैं। प्राइमरी सेल वो होते हैं जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, जैसे कि आपने घंटे का सेल देखा होगा, घड़ी का सेल देखा होगा, और रेडियो के अंदर जो यूज़ करते हैं सेल वो देखा होगा, रिमोट का सेल देखा होगा। ये सारे के सारे नॉन रिचार्जेबल सेल्स जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे प्राइमरी सेल्स होते हैं। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल्स कौन से होते हैं, जो रिचार्जेबल होते हैं, जिनको वापस से रिचार्ज कर सकते हो, मोबाइल की बैटरी हो गई, और जितने भी इन्वर्टर से लगे हुए बैटरी होते हैं वो हो गए, कार की बैटरी हो गई, ये सारी की सारी जो होती हैं रिचार्जेबल होती हैं। तो जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा वो उतनी ही ज़्यादा हाई वैल्यू ऑफ करंट देगा, क्योंकि ड्रॉपिंग नहीं आएगी। रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट की वैल्यू को कहीं ना कहीं या फिर करंट को मॉडरेट करता है। जब रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, रुकावटें ही नहीं होंगी, तो करंट ज़्यादा मिलेगी। तो सेकेंडरी सेल्स जो हैं वो ज़्यादा करंट देंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप ये वाली बात लिख दोगे, आप कहोगे, आप ऐसे कह सकते हो, इसको हटा देता हूँ, आपने देख लिया इसको, आप ये वाली बात ऐसे कह सकते हो, आप कहोगे हमसे कह रहा है यू आर गिवन ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल ऑफ द सेम ईएमएफ फ्रॉम विच सेल यू विल बी एबल टू ड्रॉ द लार्जर करंट एंड व्हाई। तो आप कहोगे सेकेंडरी सेल कैन गिव लार्जर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेल इज स्मॉलर देन प्राइमरी। ठीक है भाई, हमने कहा सेकेंडरी सेल कैन गिव लार्जर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेल इज स्मॉलर देन द प्राइमरी सेल। डायरेक्ट बहुत शॉर्ट में लैंग्वेज, तो ऐसी लैंग्वेज आप लिखना, प्रिसाइज लैंग्वेज जो पूरी बात बोल दे, जो कि मैंने लिखवाई है। थैंक यू सो मच, अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।